गाइज़ वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने जो अपने हल्दी कुमकुम पे मेकअप किया था वही आज आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने टोनर यूज़ किया है सबसे पहले, क्योंकि आपको सबसे पहले टोनर यूज़ करना ही चाहिए, आपको स्किन टोन होनी चाहिए तभी आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और मैंने यहाँ पर यूज़ किया है गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर, जैसे कि मेरा आपको पता ही है कि जैसे कि मेरा वो फेवरेट है, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और टोनर ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर गुड वाइब्स का ही ये ग्रीन टी क्रीम यूज़ किया है। एक्चुअली मैंने जब पर्पल से शॉपिंग की थी उस टाइम मुझे ये फ्री मिला था, तो काफ़ी सारे हैं मेरे पास ऐसे फ्री मिले हुए, तो इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा है। इसी वजह से मैंने इसे मतलब बड़ा पैक परचेस नहीं किया, क्योंकि यही मुझे मेरे पास जब भी मैं ऑर्डर करती थी तो ये मुझे फ्री मिल जाते थे, तो इसी वजह से ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और काफ़ी मुझे पसंद आता है ये वाला क्रीम जो है, और काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है आपके स्किन को, तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये वाला गुड वाइब्स का ग्रीन टी क्रीम, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप अगर ऑयली स्किन टाइप के हो तो आप इसे परचेस कर सकते हो, पक्का बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और इससे पोर्स भी मिनिमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीन टी हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, आप सभी को पता है, तो इसी वजह से। और ये टोन भी करता है आपकी स्किन को, तो यहाँ पर मैं लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी, ताकि जब मैं अपने लिप्स से लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी तब मेरे लिप्स मॉइस्चराइज रहे और लिक्विड लिपस्टिक ड्राई ना दिखे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, क्योंकि प्राइमर भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी स्किन को। पहले अगर आप मेकअप करते हो उससे पहले प्राइमर लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूद हो जाती है, और आपके जो ये है फाउंडेशन है उसको अच्छे से मतलब स्प्रेड होने में, या आप बोल सकते हो कि या अच्छे से ब्लेंड होने में जल्दी से मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है प्राइमर की वजह से, और जो आपके पोर्स है वो इससे मिनिमाइज़ हो जाते हैं, और आपकी स्किन में डायरेक्टली फाउंडेशन नहीं जाता है इसकी वजह से, और आपकी स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये वाला जो प्राइमर है कलर बार का, ये मेरा फेवरेट प्राइमर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन, क्योंकि प्राइमर के बाद की स्टेप है फाउंडेशन, और उसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी, और वो है ट्रू मैट का लॉरियल का फाउंडेशन, ट्रू मैट फाउंडेशन लॉरियल का। क्यों मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये भी बता देती हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़े से ग्लिटर पार्टिकल्स है, मतलब काफ़ी कम है, मतलब थोड़ा सा आपकी स्किन चमकती है, और मेरा ये नाइट का फंक्शन था, इसी वजह से नाइट के फंक्शन के लिए आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। मतलब आप अगर कोई फाउंडेशन सर्च कर रहे हो, मतलब आपके बजट में भी हो और अच्छा भी हो, बेस्ट हो, तो वो है ये ट्रू मैट फाउंडेशन लॉरियल का, और ये नाइट फंक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब नाइट फंक्शन के लिए अगर आप कोई सर्च कर रहे हो फाउंडेशन, तो ये वाला आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, और काफ़ी मतलब स्मूथ दिखती है स्किन इससे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्लोई स्किन दिखती है इससे। तो मुझे तो ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं नाइट फंक्शन अगर हो तो यही यूज़ करती हूँ, और नाइट फंक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये, क्योंकि इसमें ना थोड़े से ग्लिटर पार्टिकल्स है, मतलब अगर आप लाइट वगैरह में जाते हो ना तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है, तो मुझे इसकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से मैं कोई रिसेप्शन, नाइट फंक्शन या कुछ भी हो तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। तो ये फाउंडेशन मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि ब्लेंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है मेकअप में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है ब्लेंडिंग। और ब्लेंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी, मतलब आप अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे मेकअप को, तो आपका जो मेकअप है कभी पैची नहीं दिखेगा। और जो स्टेप मैंने बताई है आपको, जैसे कि पहले टोनर यूज़ करना है, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र में कोई भी आप क्रीम वगैरह यूज़ कर सकते हो आपका फेवरेट, तो वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो इस टाइप की अगर आप स्टेप करोगे तो उससे आपका कभी भी जो आपका मेकअप है वो कभी भी पैची नहीं दिखेगा, और लॉन्ग लास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा आपका मेकअप। तो और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग भी काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखे, मतलब आपका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखे। तो यहाँ पर मैं अपने बेस को सेट करने के लिए, यानी कि आपके फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट, उससे मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि मेरा जो फाउंडेशन है वो क्रीज ना करे। अच्छे से सेट करने के बाद आपको आपका फाउंडेशन ऑयल छोड़ने भी नहीं लगेगा, और अगर आप लूज़ पाउडर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपका जो मेकअप है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और आपका जो मतलब आपका अगर फेस ऑयली है तो आपका जो ऑयल है वो मतलब क्रीज नहीं करेगा, तो काफ़ी देर तक आपका जो फेस है वो ऑयल फ्री रहेगा, तो इसी वजह से आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मेरा जो लूज़ पाउडर मेरा फेवरेट है, मतलब अफोर्डेबल में, तो वो है
वाइट टोन पाउडर, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ बहुत बार, तो आपने देखा भी होगा यूज़ करते हुए मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो पाउडर, मुझे काफ़ी पसंद है और अफोर्डेबल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लूज़ पाउडर आप लोगों को पता ही है कितने ज़्यादा महंगे आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये वाला थोड़ा सा डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, थोड़ी सी डार्कनेस होती ही है हमारे आइज़ के अराउंड, मतलब आइज़ के ऊपर या आइज़ के नीचे, तो थोड़ी सी डार्क सर्कल होती ही है, मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट आज पता नहीं थोड़ी सी डल लग रही थी स्किन, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो इसी वजह से पता नहीं क्यों डल थोड़ा सा लग रहा था स्किन, तो इसी वजह से मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली ये वाला जो कंसीलर है थोड़ा सा महंगा है, बट अच्छा है, आपके जो डार्क सर्कल है उसे काफ़ी अच्छे से हाइड कर देता है, और मुझे तो पर्सनली ये पसंद है, और मेबेलिन के वैसे भी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट ये वाला जो कंसीलर है मुझे अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और बस इस तरह से यूज़ कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसे अच्छे से सेट करूँगी उसी पाउडर के साथ जो मैंने यूज़ किया था कॉम्पैक्ट, लैक्मे का एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट। और हाँ, इन सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा, और आपको अगर परचेस करना हो तो आप वहाँ से परचेस भी कर सकते हो, और आपके ध्यान में रहने के लिए मैंने कौन सा स्टेप किसके बाद यूज़ किया था और कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए थे, तो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हो, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट आपके पास होगी, और आपको अगर मेकअप लुक क्रिएट करना है ये वाला, तो आप कोई भी प्रोडक्ट से क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है वही आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है वही आपको यूज़ करना है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं म्यूज़िक फ्लावर का जेल आइनर यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं उसी से अपने आईब्रोज़ को फिल करती हूँ, और मुझे ये वाला जो जेल आइलाइनर है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कोई भी फंक्शन वगैरह में ना इसे ही यूज़ करती हूँ मैं, और वैसे भी डेली में भी इसे यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ना काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग आपकी आईब्रोज़ रहती है, मतलब ये एक ब्रो पोमेड का काम करता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें से मैंने ब्लैक शेड यूज़ किया है और वो हल्के हाथों से लगाया है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो, तो आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का रोज इन द एयर पैलेट में से वही पिंक शेड, पहले मैंने एक्चुअली ब्राउन शेड यूज़ किया था, तो ब्राउन शेड का क्या हुआ था कि मैंने कैमरा जो है वो ऑन ही नहीं किया था, मैं भूल ही गई थी कैमरा ऑन करना, तो इसी वजह से मैंने ब्राउन शेड लगा लिया था, और उसके बाद मैंने पिंक शेड लगाया है उसी में से ही, और उसके बाद मैं ये वाला मिस रोज़ का जो आई शेडो पैलेट है तो उसमें से मैं मिस गोल्ड का है सॉरी मिस गोल्ड का आई शेडो पैलेट है उसमें से मैं ये वाला शिमरी ग्रीन शेड है, तो वो मेरे साड़ी से परफेक्टली मैच होता है, वो मैं अपने पूरे आईलिड पर लगा लूँगी, और अच्छे से आपको ये ना फिंगर की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लगता है, थोड़ा सा पाउडर ही है इसी वजह से ये फिंगर की हेल्प से काफ़ी अच्छे से लगता है, तो इसी वजह से मैं फिंगर की हेल्प से ही लगाती हूँ इसे, और ब्रश की हेल्प से जल्दी से नहीं लगता है, अगर आप ब्रश पे थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे यूज़ करोगे और उसके बाद लगाओगे तो थोड़ा सा जल्दी लगेगा, बट मैं यहाँ पर फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे फिंगर की हेल्प से ज़्यादा अच्छा लगता है लगाना, और फिंगर की हेल्प से लगा लिया है मैंने अच्छे से वो, और उसके बाद मैं उसी पैलेट में से ब्लू शेड जो है वो पिक करूँगी, क्योंकि मेरी साड़ी में ब्लू शेड है इसी वजह से, और यहाँ पर दूसरी आइज़ भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ, और यहाँ पर ब्लू शेड करूँगी पिक, और उसके बाद लास्ट कॉर्नर में थोड़ा सा हल्का सा, मतलब हाफ लीड में नहीं ले रही हूँ मैं, कॉर्नर में ही थोड़ा सा मैं उसे कॉर्नर में लगा लूँगी आउटर कॉर्नर में, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना फेवरेट वाला जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि फेवरेट फेवरेट ही बोल रही है, तो जो मुझे पसंद है वही प्रोडक्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और मैं कभी आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये प्रोडक्ट लो, क्योंकि जो प्रोडक्ट अच्छे हैं वही मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे भी पता है पैसे की वैल्यू क्या होती है, और हम लोग ले तो लेते हैं फिर हमें पसंद नहीं आता है तो फिर हमारा वैसे के वैसे ही रहता है वो, तो इसी वजह से जो अच्छा है प्रोडक्ट वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लैक्मे का इंस्टा लाइनर यूज़ किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है मेनली, और इसके बाद यूज़ कर रही हूँ NYB का काजल, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, डेली मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे, और ब्लैक भी है, जेड ब्लैक है, और उसके बाद अच्छे से मैंने ऊपर वाटर लाइन पे, मतलब अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन पे लगा लिया है, उसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया है,
मस्कारा मैंने मेबलिन का यूज़ किया है। उसके बाद मैं ये जो है पैलेट शिवाना का अल्ट्रा ब्लश पैलेट है उसमें से मैं कॉन्टर जो शेड है वो यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे से अपने फेस को कॉन्टर कर लूँगी, अपने नोज़ को कॉन्टर कर लूँगी, क्योंकि फेस और नोज़ को अगर आप कॉन्टर करते हो तो आपका फेस और नोज़ थोड़ा सा स्लिम लगता है। उसके बाद मैं ब्लश यूज़ करूँगी, थोड़ा सा जो ऑरेंजिश शेड है यहाँ पर उस वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद इसी में से मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मैं अलग से कोई हाइलाइटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, यही पैलेट मैंने आज यूज़ किया है, और ये वाला जो हाइलाइटर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मीन्स अलग से कोई हाइलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको नेचुरल ग्लो चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हो पैलेट। मतलब इसमें आपको कॉन्टर शेड भी मिल जाएगा, आपको ब्लशर शेड भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे, और उसमें आपको हाइलाइटर भी मिल जाएगा। तो आपको अगर आप बिगनर हो तो आप इसे ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की लिपस्टिक, तो इसका शेड तो मुझे अभी याद नहीं है, तो फेरी बेरी है आई थिंक। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे गाइज ये वाली लिपस्टिक। मतलब शेड टो शुगर के आप लोगों को पता ही होंगे कि कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो शुगर के शेड टो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी वजह से मतलब कुछ शुगर के ही लिपस्टिक यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। मतलब मुझे मेबलिन के भी पसंद है एक्चुअली, बट शुगर के शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंदूर यूज़ किया है ब्लू हेवन का, उसके बाद मैंने ये एडीएस का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, और ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा, और सिंपल सा लुक था बट बहुत ही जल्दी क्रिएट हुआ था, आप लोगों को पसंद आया होगा। और आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और मेकअप लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ये वाला मेकअप लुक मैंने अपने हल्दी कुमकुम पे क्रिएट किया था, बट आप अपने कोई भी फेस्टिवल पे क्रिएट कर सकते हो, कोई भी आपके घर में फंक्शन हो छोटा मोटा तो आप उस पर क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी है, और बहुत ही जल्दी क्रिएट होता है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा।